वेलकम क्लास देयर आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स. देयर द जनरली चार तरह के कैंसर होते हैं. एक होता है लिम्फोमास, जो लिम्फ का कैंसर होता है, जो लिम्फ नोड पे होता है या लिम्फेटिक सिस्टम से एसोसिएटेड होता है. दूसरा होता है कार्सिनोमास, जो स्किन से जुड़ा है. सैक्रोमास, जो बोन लिगेंड टेंडन्स वगैरह से जुड़ा है. एंड ल्यूकोमियास, ये कैंसर ब्लड कैंसर करके जाना जाता है. लेट्स वी सी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल के क्या क्या प्रॉपर्टी होती है एक कैंसर सेल में, आम सेल के कंपटीशन में कि कैंसर सेल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है. लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स. फर्स्ट इज अ मेटास्टेसिस. जनरली दो तरह के कैंसर होते हैं अगर हम कैंसर को कैटेगराइज किए. एक होता है बेनिग्न ट्यूमर और दूसरा होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर. बेनिग्न ट्यूमर इज नॉन हार्मफुल क्योंकि ये हम बाय सर्जरी हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मेटास्टेसिस की एबिलिटी नहीं होती. सो व्हाट इज मेटास्टेसिस? मेटास्टेसिस इज एन एबिलिटी ऑफ कैंसर सेल टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी. देखिए क्या होता है मेटास्टेसिस में, ये कैंसर सेल की एक प्रॉपर्टी है मेलिग्नेंट कैंसर सेल की. याद रखिए ये प्रॉपर्टी है मेलिग्नेंट कैंसर सेल की. मेटास्टेसिस में कैंसर सेल जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने की एबिलिटी रखता है वाया यूजिंग अ सर्कुलेटरी सिस्टम. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल इज अ मेटास्टेसिस. दे डू नॉट इंड्यूस और ओबे द रूल ऑफ एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस दे डू नॉट ओबे. एक्चुअली जनरल सेल जो है उनका जो काम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 120 डेज के बाद आरबीसी खत्म हो जाते हैं. ऐसे हमारे बॉडी में सारे सेल एक टाइम पे खत्म हो जाते हैं. दे प्रोग्राम सेल डेड, दे नोन एज प्रोग्राम सेल डेड. बट इन केस ऑफ कैंसर सेल दे डू नॉट ओबे और मानते नहीं है एपोप्टोसिस को. अपनी सिमल्टेनियसली ग्रोथ दिखाते, दे डू नॉट ओबे द रूल ऑफ apoptosis. This is the second property of cancer cell. Less expression of extracellular matrix binding property. They show the less extracellular binding property. Extracellular binding property. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैंसर सेल की बात किए करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से हर सेल बॉन्ड होता है, जिसमें जैसे कि कोलेजीन पकड़ लीजिए आप, कैदरीन पकड़ लिए. ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, दीज आर दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल को पकड़ के रखते हैं अपनी जगह पर. बट व्हाट हैपन इन कैंसर सेल, दे शो द लेस सरफेस एडहेशन मॉलिक्यूल जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाइंड होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. और लेट्स सी चेंज द कलर ब्लू. ये जो सेल है यहाँ इससे बाइंड हुआ है वाय यूजिंग सम एडहेशन मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल ये एडहेशन मॉलिक्यूल कैडरीन हो सकते हैं, वट एवर जो भी हो सकता है. ये सेल को पकड़ के रखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में. बट व्हाट हैपन इन कैंसर सेल, शो द लेस एक्सप्रेशन ऑफ सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल. अगर ये लो एक्सप्रेशन दिखाएंगे इस तरह के मॉलिक्यूल तो इट गेट माइग्रेट फ्रॉम, ये फ्री हो जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से और अपनी जो एबिलिटी है मेटास्टेसिस की ये बड़ी आसानी से दिखा पाएंगे. लेट्स सी थर्ड प्रॉपर्टी. ऑटोक्राइन ग्रोथ फैक्टर, इट सीक्रेट द ऑटोक्राइन ग्रोथ फैक्टर. ऑटोक्राइन ग्रोथ फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये जो सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन कैंसर सेल जो ऑटोक्राइन एबिलिटी दिखाता है, ये क्या करता है, ये सेल्फ हार्मोन सीक्रेट करता है और यही हार्मोन इसके ही कहीं ना कहीं रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो जाते हैं. दैट इज नोन एज ऑटोक्राइन प्रॉपर्टी ऑफ दैट सेल. ये इसको अपने आप को ऑटोक्राइन यानी सेल डिपेंडेंट बनाता है. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि कई सारे ग्रोथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के ग्रोथ के लिए, लेकिन इन केस ऑफ कैंसर दे शो द म्यूटेशन इनसाइड देयर जीन. जैसे ही वो म्यूटेशन दिखाता है वो ऑटोक्राइन फैक्टर सीक्रेट करना शुरू कर देता है. मतलब इसको बाहर के सेल से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप ही अपनी ग्रोथ शो करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग सम फैक्टर विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय
हिज सेल, वो खुद ही ऑटोक्राइन फैक्टर बनाएगा और खुद ही अपने रिसेप्टर पे बाइंड होके अपने आप को सिग्नल देंगे कि नाउ इट टाइम टू रेप्लिकेट। फाइब्रोक्रिस कॉन्टेक्ट इनिबिशन, कॉन्टैक्ट इनिबिशन का मतलब ये होता है कि जब सेल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी ये एक सेल है, जब ये दोनों के सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, इट शो द स्टॉप ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी सेल की। बट व्हाट हैपन इन कैंसर सेल, वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन को नहीं मानते, आई एम सॉरी, वो ग्रोथ होते जाते हैं सेमेंटेनियसली, दे शो द ग्रोथ एंड ग्रोथ एंड ग्रोथ, दे डू नॉट इंट्रोड्यूस द कॉन्टैक्ट इनिबिशन, वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं दिखाते। सिक्स पॉइंट इज एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस, व्हाट इज मीन बाय एंजियोजेनेसिस, दे सीक्रेट अ सर्टेन काइंड ऑफ फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल ग्लायल ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 2, ये कुछ इस तरह के फैक्टर सीक्रेट करते हैं कैंसर सेल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन कैंसर सेल, वो कुछ इस तरह से फैक्टर सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती है। यू नो दैट कैंसर सेल जो है वो अनकंट्रोल ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि और वो दूसरा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी नहीं दिखा रहा है, अपोप्टोसिस भी नहीं मान रहा है, वो कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखा रहा है, वो लेस सरफेस सेल एडहेशन मॉलिक्यूल दिखा रहा है जिसकी वजह से वो सरफेस पे अटैच नहीं है। तो ये एंजियोजेनेसिस करवाता है, कुछ फैक्टर सीक्रेट करता है, फॉर एग्जांपल एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ग्लायल ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 2, मान के चलिए अगर ये ऐसा फैक्टर सीक्रेट करता है तो यहाँ पे एंजियोजेनेसिस सीक्रेट बंद होता है जिसके वजह से यहाँ पे ब्लड वेसल तैयार होने शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैंसर सेल डिवाइड होकर इतने सारे कैंसर सेल हो गए और यहाँ पे इनको ट्रेमेंडस अमाउंट में ये लगेगा ब्लड सप्लाई, दे सीक्रेट अ सर्टेन काइंड ऑफ फैक्टर वाया विच दे फॉर्म अ ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से उनके आसपास क्या बन जाएगी, ब्लड वेसल्स, दीज आर दी ब्लड वेसल्स, इस वजह से। देन सेवन प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल, दे सीक्रेट अ सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम नोन एज अ टेलोमेरेज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, टीलोमेरेज़, जैसे जैसे सेल डिवाइड होता है जो टीलोमर है वो छोटा होते जाता है और सेल साइकिल अरेस्ट हो जाती है। बट व्हाट हैपन इन कैंसर सेल, दे सेमेंटेनियसली इंट्रोड्यूस द सेल साइकिल बाय सीक्रेटिंग द टीलोमेरेज एंजाइम, इसीलिए उनकी सेल साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। दे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल, दे सीक्रेट टीलोमेरेज लाइक एंजाइम्स, सी आई विल रब दिस प्रॉपर्टीज। कुछ कुछ कैंसर सेल कोलिजिनेस नाम जैसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोलिजिनेस, दीज आर दी कोलिजिनेस एंजाइम विच डाइजेस्ट दी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसको सेल पकड़ के बाइंड रहते हैं। अगर ये सेल्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और यहाँ पे ये सेल बाइंड है, तो ये अगर कैंसर सेल हुआ तो ये कोलेजिनेस सीक्रेट करेगा जिसके वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होने के बाद सेल एकदम फ्री हो जाएगा एंड देन गोज टू मूव, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकता है। दिस ऑल द कैंसर प्रॉपर्टी, दिस आर द वेरी बेसिक कैंसर प्रॉपर्टी, ये बहुत ही बेसिक कैंसर प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स की। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगा। देखिए और एक बात, सेल कैंसर, कैंसर सेल कैसे बनता है, कोई जनरली हम सेल साइकिल के बारे में सीखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल साइकिल जिसमें एक जी1 फेस है, एस फेस है और जी2 फेस है और यहाँ पे माइटोटिक फेस है जिसके अंदर एनाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज एंड टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। अगर आपको सेल साइकिल के बारे में और नॉलेज चाहिए तो गो माय चैनल एंड चेक दी माइटोसिस। जनरली क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो G0 फेस में होते हैं एंड देन अगर कोई नीड पड़ी जैसे मेसेनकाइमल सेल, अगर आपके स्किन पे कहीं कट लग जाता है तो वहां के सेल वापस रिपेयर हो जाते हैं। क्यों, वो G0 से
जीवन में फिर से आते और सही साइकिल रन करवाते, बट व्हाट हैपन इन कैंसर सेल, दे ऑलवेज इनसाइड द ह्यूमन फेस, आई एम सॉरी, दे शो द रेप्लिकेशन और रेप्लिकेट रेप्लिकेट होते रहते हैं. आई होप दिस वीडियो इज हेल्प यू एंड थैंक यू.